हाथी मेरे साथी में कैसा है बाहुबली एक्टर राणा दग्गुबाती का लुक। हेलो दोस्तों, मैं सोनिका चुया स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। दोस्तों, बाहुबली फेम एक्टर राणा दग्गुबाती इन दिनों अपनी फिल्म हाथी मेरे साथी को लेकर चर्चाओं में है। इस फिल्म को लेकर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इसी बीच राणा की अपकमिंग मूवी हाथी मेरे साथी का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। इस पोस्टर को एक नहीं बल्कि तीन भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया है। हाथी मेरे साथी के पोस्टर को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। एक्टर राणा दग्गुबाती की फिल्म हाथी मेरे साथी का जो पोस्टर रिलीज हुआ है उसमें वो चीखते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं उनके पीछे एक विशाल काय हाथी नजर आ रहा है। राणा अपने हाथों में एक डंडा लिए हुए हैं। राणा पहली बार इस लुक में दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें, फिल्म हाथी मेरे साथी तीन भाषाओं में रिलीज होगी, वहीं इन तीनों भाषाओं में डबिंग राणा दग्गुबाती ने खुद की है। राणा की डबिंग करते हुए कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। फिल्म की घोषणा 2017 में की गई थी, जिसके बाद फर्स्ट लुक 2018 में रिलीज किया गया था। आपको बता दें, हाथी मेरे साथी टाइटल का यूज 49 साल बाद एक बार फिर किया गया है। इससे पहले 1971 में राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी भी इसी टाइटल पे बनी थी। एक तरह से देखा जाए तो राजेश खन्ना को इस फिल्म से ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, लेकिन मेकर्स का कहना है कि ये पुरानी फिल्म का रीमेक नहीं है, इसमें एकदम नई कहानी होगी। फिल्म में राणा के किरदार का नाम बंदेव है। वहीं मूवी में राणा के अलावा एक्टर पुलकित सम्राट, जोया हुसैन और श्रिया पिलगांवकर नजर आएंगी। फिल्म का डायरेक्शन सोलोमन कर रहे हैं। वहीं ये फिल्म 2 अप्रैल 2020 को रिलीज होगी। तो आप हमें बताइए कि इस बाहुबली एक्टर का लुक आपको कैसा लग रहा है और इस फिल्म का कितना इंतजार है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को।